देख देख भैंस। भैंस नहीं, ये तो हाथी है। भैया एक प्लेट डोसा कितने का है? 60 रुपए मैम, 60 रुपीज। तो आप प्लीज 2 प्लेट पैक कर दीजिए। ठीक है। भैया 2 से क्या होएगा इसका? भैया इसको तो पूरा ठेला भी कम पड़ेगा। भैया एक काम करो, इसके लिए ना पूरा ठेला ही पैक कर दो। वो क्या है ना भैया, ये ओवरसाइज लोगों को ना थोड़ा ज्यादा खाने की आदत होती है। देखिए आप दोनों मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। ओ मोटी, हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तू अपना मजाक खुद बनवा रही है। ये मोटे लोग ना अपना मजाक खुद उड़वाते हैं और हमें बोलते हैं कि हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं। धरती पर बोझ, ये मोटे लोग ना बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये इतना खाना खाते हैं, ये इतना खाना खाते हैं कि खाते ही जाते हैं। मुझे तो डर है कहीं फ्यूचर में हमारे लिए खाना बचेगा भी कि नहीं। देखिए आप मेरे वेट को लेके और मेरी हेल्थ को लेके ना ही बोलिए। मम्मा देख रहे हो इस मोटी का कितना मुंह चल रहा है आपके सामने। थोड़े पैर चला लिए होते ना, थोड़ा वेट तो कम हो जाता, हमारी तरह फिट और स्लिम हो जाती। मुझे आप लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। हाँ हाँ, तो हमें भी नहीं तेरे मुंह लगने का शौक। अरे चोर 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 भैया चोर भैया। अब क्या होगा बेटा, उस पर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें वो पैसे भी थे जो पापा ने आज दिए थे। मम्मा कुछ समझ नहीं आ रहा, हम घर पे पापा को क्या बोलेंगे? बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीजिए आपका पर्स। मम्मा ये तो आपका ही पर्स है ना? ये आपके पास कैसे? सॉरी, हमने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, हमें माफ कर दीजिए और थैंक यू सो मच, आपने मेरा पर्स वापस ला कर दिया। वी आर रियली सॉरी, हमें आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही तो आपकी इंसल्ट करनी चाहिए थी। आपने हमारा पर्स ढूंढ के दिया, उसके लिए रियली वेरी थैंक यू। एक्चुअली अगर आज ये पर्स नहीं मिलता ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इस पर्स में 1 लाख रुपए थे जो आज हमें बहुत ज़रूरी चाहिए थे, तो थैंक यू सो मच। इट्स ओके, डोंट वरी, मगर आप लोग को कोई हक नहीं है ऐसे किसी का मजाक उड़ाने का, उनकी वेट कलर हाइट को लेके। आप जानते हैं ऐसी मजाक के चक्कर में लोग कितने सुसाइडल हो जाते हैं, लोग को सही में ऐसे बिलीव होने लगता है कि वो इस धरती पे बोझ हैं। तो प्लीज़ ऐसे हर्टफुल कमेंट्स मत किया करिए, हम सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है, हम सब इक्वल हैं और भगवान ने हमें जैसा बनाया है परफेक्ट बनाया है। हाँ जी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे और सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। वी आर रियली वेरी सॉरी, हम हमेशा सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और थैंक यू आपने मेरा पर्स वापस ला कर दिया, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, तो आज आप लोग ने एक सबक सीखा। थैंक यू सो मच मैम। कभी भी किसी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले का मजाक नहीं बनता है, आपका मजाक बनता है। तो कभी भी किसी के डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, हमेशा सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि हम सब एक बराबर है, इंसान है, तो इंसानियत के नाते सबकी रिस्पेक्ट करें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका जो मैसेज है उन तक सभी तक पहुँच सके, तो जल्दी शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।